नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा है रोहिंग्याओं की। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या भारत में रोहिंग्या को शरण मिलनी चाहिए और ऐसा भी माना जा रहा है कि उनसे देश की सुरक्षा को खतरा है? देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। भारत की सुरक्षा निश्चित ही सर्वोपरि मसला है और भारत अपनी सीमाओं को लेकर और यहाँ आने वाले लोगों को लेकर चौकस है और पूरी दुनिया के लोग चौकस हैं। शरणार्थी समस्या जो है वो केवल भारत के नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अभी जर्मनी में आने वाले शरणार्थियों को लेकर वहां पर जनमत संग्रह किया जा रहा है और एंगेला मर्केल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। नए साल पर वहां पर जश्न जो मना था उसमें जिस तरह की शरणार्थियों द्वारा की गई हरकतें और अपराध सामने आए थे वो एक बड़ी समस्या थी। पूरा का पूरा ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना, जो ब्रेक्सिट है उसमें शरणार्थी समस्या एक बड़ा गंभीर और बड़ा मसला था। इसी तरह भारत के लिए भी शरणार्थी एक बड़ा मसला है। इसमें हमें दो तरह से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी भी शरणार्थियों को अपने अपनाने दी। बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी लाखों की संख्या में यहां आकर बस गए हैं, यहां की मिट्टी में घुल गए। उसके पहले जो पुराना 2-3 हजार सालों का इतिहास है, इसमें हमने देखा कि कितनी तरह की जाति समुदाय धर्म के लोग यहां आए, यहां बस गए हैं। पूरा का पूरा पारसी समुदाय, उसको भारत में जिस तरीके से शरण मिली, जिस तरीके से वो यहां के हो गए। हम आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं किस तरीके से वो यहां आए और यहां की जमीन का हिस्सा हो गए और एक अलग राष्ट्र मुसलमानों के नाम पे बन जाने के बावजूद भारत में मुसलमानों को जितनी शांति सुरक्षा मिली हुई है, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उतने पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम देशों में भी नहीं मिले हुए। तो भारत के लिए भी समस्या ये है कि और एक और तथ्य यहां पर वेब वार्ता के दर्शकों और श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि रोहिंग्या भारत में आए ही नहीं है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं खुद संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है उसके मुताबिक 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आ चुके हैं। इसमें से 14,000 शरणार्थी तो अकेले जम्मू कश्मीर में जाके बस चुके हैं और भारत के अलग अलग प्रांतों में पिछले कई सालों में बस चुके हैं, क्योंकि जब उनकी उनकी जमीन से उनको काटा जा रहा है तो वो बांग्लादेश में भारत में पनाह ढूंढ रहे हैं। भारत की वर्तमान समस्या ये है कि जिस तरीके के आतंकवाद से हम जूझ रहे हैं, जिस तरीके की लगातार बम धमाके और दूसरी घटनाओं को हम देख रहे हैं, उसमें हम ये सोचते हैं कि सुरक्षा को लेकर हम चौकस रहे, जिसमें कोई गलत नहीं है। एक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क होना, चौकस होना बहुत ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत अगर रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करना ही चाहता है तो आंग सान सू ची से बात करके, अभी प्रधानमंत्री मिले थे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां अफगानिस्तान में बसाहट को लेकर कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हमारा श्रम दे रहे हैं, वैसे ही वहां अगर रोहिंग्याओं की बसाहट को लेकर कोई काम हो सकता हो तो भारत उसमें मदद का हाथ बढ़ाए और भारत उसमें अपना मानवीय चेहरा दिखाए और रोहिंग्याओं के सामाजिक ताने बाने को बेहतर करने में हम म्यांमार के साथ किस तरह से हाथ मिला सकते हैं, बल्कि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों मिलकर इनकी बसाहट को लेकर काम करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि कहीं से खदेड़े जाएं, वो कहीं आ जाएं, फिर वहां भी वो शरणार्थी के रूप में एक बुरा जीवन बिताएं और फिर आप उनको आपराधिक रंग देने की कोशिश करें, धार्मिक रंग देने की कोशिश करें। अभी भारत के मामले में खासतौर पर रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो बात चल रही है उसका रंग राजनीतिक और धार्मिक ज्यादा है। मुझे लगता है इसको सामाजिक और मानवीय समस्या के रूप में देखना चाहिए, इसको राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कतई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सचमुच धार्मिक समस्या है तो जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि रोहिंग्या दरअसल सुन्नी मुसलमान, हम उसकी जात में इसलिए कि मानवीय समस्या है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो जो सुन्नी प्रमुख राष्ट्र है वो सारे के सारे उनको बुला लें और संपन्न राष्ट्र है उनको बसा लें, ये कड़वा सच है। आप आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। अगर आपको धर्म का प्रेम है तो वैसा कीजिए, अगर आपको राजनीति का प्रेम है तो कोई राजनीतिक दल आगे बढ़े, गले मिलाए और अपनी राजनीतिक पार्टी का जो भी पैसा है सारा का सारा रोहिंग्याओं पर लुटा दे। तो ये दोगली बातें हैं, ना ये राजनीतिक समस्या है, ना ये धार्मिक समस्या है, ये मानवीय समस्या है। आप इसको राजनीतिक और धार्मिक रंग अपने अपने हित के लिए दे रहे हो, कृपया ऐसा ना करें। आप रोहिंग्याओं के लिए और बुरा कर रहे हैं। रोहिंग्या इस विश्व के नागरिक हैं, रोहिंग्या एक विश्व का रहने वाला ऐसा समुदाय है जिसके साथ लगातार अगर बुरा व्यवहार हो रहा है तो उस बुरे व्यवहार को लेकर सारा विश्व सतर्क रहे और कैसे उनको बेहतर स्थिति में रखे वो देखना चाहिए। दूसरी, एक पत्रकार और संपादक के नाते मेरी बड़ी आपत्ति ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे रोहिंग्या आतंकवादी हैं। हाँ, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग अगर रोहिंग्या पाए गए हैं तो इस संयोग और इसकी तह में जाना चाहिए कि वो लोग आतंकवाद की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं सारे रोहिंग्या आतंकवादी हैं, तो मुझे इस कथन से, इस तरह की उक्तियों से निश्चित तौर पर विरोध है। यदि जी भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो देश के मुस्लिम रोहिंग्या के समर्थन में तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भी इतना खुलकर सामने नहीं आते। निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा कि ये इस्लामिक रंग देने की, मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश हो रहे हैं। इसी देश में मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार होता है, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, जिस तरह का जीवन वो जीते हैं, जिस तरह की बस्तियों में वो रहते हैं, जिस तरह का उनका आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं होता। आज भी 3 तलाक की समस्या को लेकर पूरा मुस्लिम समुदाय एक नहीं हो पा रहा। वो 3 तलाक को जायज मानने वाले लोग अगर देश में है तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। हम दूसरों के प्रति हमदर्दी दिखाएं, ये मानवीयता दिखानी चाहिए, लेकिन अगर हमको शुरुआत करनी तो फिर अपने घर से करनी,
करनी होगी। अपने घर में ही बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जिनको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कई स्थानों पर जो आर्थिक सामाजिक ताने बाने में पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके हमारे यहाँ तो आरक्षण के द्वारा भी हमने पिछड़ी जातियों को आगे लाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे से वो आगे नहीं आ पाए, उनको समाज में जितना दखल मिलना था, तो हम उस पर पुनर्विचार करें और उसकी ओर देखें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। इसको धार्मिक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश कृपया ना करें। जो लोग रोहिंग्याओं के लिए झूठे आंसू घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को उदार हृदय दिखाना चाहिए, वो भी अति है और वो भी गलत है। और जो कह रहे हैं कि आतंकवादी इनके लिए रास्ते पूरे बंद कर देना चाहिए, वो भी गलत है। एक मानवीय समस्या है, कैसे हम मदद कर सकते हैं? अगर हम शरण नहीं देना चाहते, हमारे यहाँ हमको सुरक्षा की चिंता होती है, हमारे यहाँ आबादी पहले ही ज्यादा है, वो दिक्कत होती है, यहाँ आकर भी वो आर्थिक रूप से अगर विपन्न रहते हैं, उनका उत्थान नहीं हो पाता, तो वो उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, बजाय के ये मुसलमान है और इनको शरण क्यों नहीं मिल रही और भारत राजनीतिक दृष्टि से इसका लाभ क्यों उठाने की कोशिश। ये सब मुझे लगता है एक बहुत गलत विमर्श है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे रोहिंग्या शरणार्थियों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।